हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। ये 3x3 का मैट्रिक्स है और जिसका हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके बुक में आगे पीछे हो, अगर आपके बुक का एडिशन अलग होगा तो। सो हमें दिया हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स लिख दिया है। अब मैं आपको बता दूं, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इनवर्स कैलकुलेट करना। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सेम हमें क्या करना होगा, पहले भी हम सीख कर आए हैं, बट वो 2x2 का था, वो थोड़ा सा इजी था। इनवर्स ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूलस ए। अब वो 2x2 का था, थोड़ा सा इजी था, ये 3x3 का है, थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है, सो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मॉड्यूलस ए कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले हम, मॉड्यूलस ए। तो मॉड्यूलस ए के लिए आपको पहले से 3 ब्रैकेट्स लिखने हैं, 3 ब्रैकेट्स। अब सबसे पहले वाले के आगे फर्स्ट प्लस लिखना है, देन माइनस, देन प्लस। ठीक है, प्लस माइनस एंड प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं। तो मॉड्यूलस के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट के बाहर ये -1 लिखना है, ये जो यहाँ पर है। अब अगर -1 लिख रहे हैं तो ये रो भी छोड़ दो और ये कैंसिल, कॉलम भी छोड़ दो। अब ये रो भी कैंसिल, ये कॉलम भी कैंसिल, तो यहाँ से ये रो हटा दिया, यहाँ से ये कॉलम हटा दिया। सो इस रो के नंबर्स को भूल जाओ, इस कॉलम के नंबर्स को भूल जाओ, तो बाकी बचे कौन सी वैल्यूज, 1, 1, -5, 2। एम आई करेक्ट? देखो ये कॉलम हट गया और ये मैं रो पर भी पेन रख देता हूँ, तो बाकी वैल्यूज क्या बची, 1, 1, -5 एंड 2। ओके, सो ये कॉलम हट गया, ये रो भी मैं हटा देता हूँ, तो ये बचा 1, 1, -5, 2। अब आपको क्या करना है, 1 × 2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा आंसर 2। इसमें से माइनस करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। नाउ -5 × 1 -5 होता है, बट माइनस करना है तो यहाँ पर +5 हो जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ आपको, पेंसिल से ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस लिख दिया, फिर ये -1 बाहर रखा। अब -1 रखा तो ये रो भूल जाओ, ये कॉलम भूल जाओ, बाकी वैल्यूज बची 1, 1, -5, 2। अब पहले 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया 2, उसमें से माइनस करना है मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करना है -5, तो ये +5 हो जाएगा। ओके, सो ये फर्स्ट हो गया। नाउ फिर से अब हम सेकंड करते हैं। अब ये पहले -1 लिखा, नाउ अब हमें ये -2 लिखना है। मैंने -2 लिखा, फिर अब हमें क्या करना है, अब पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, आप मत करना, ठीक है। अब -2 लिखा तो ये -2 ऊपर वाली रो में आ रहा है, वो रो भूल जाओ कि ये रो नहीं है, और -2 इस बीच वाले कॉलम में आ रहा है, तो ये कॉलम भी भूल जाओ। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, तो बाकी वैल्यूज क्या बची, तो यहाँ पर बचा -2, 4, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट -2 कहाँ आ रहा है, इस कॉलम में और उस रो में, उसे भूल जाओ, ये रो भी नहीं है समझो, ये कॉलम भी नहीं है। तो बाकी कौन से नंबर्स बचेंगे, तो नंबर्स बचेंगे मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ रफ पेज पर, कि अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दूँ, ये फर्स्ट रो हटा दूँ और ये कॉलम हटा दूँ, तो बाकी बचा -2, 1, 4 एंड 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 2 -4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 4 × 1 4 और माइनस करना है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? सो यहाँ पर होगा
माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, माइनस करना है फोर इंटू वन फोर। देन थर्ड ये थ्री, अब फिर से रफ पेज ले लेते हैं। अब अगर थ्री है ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है तो भूल जाओ कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो बचेगा क्या? तो यहाँ पर फर्स्ट रो हटा देते हैं, थर्ड कॉलम हटा देते हैं, तो बचा माइनस टू वन फोर एंड माइनस फाइव, माइनस टू वन फोर एंड माइनस फाइव। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू फाइव टेन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसमें से माइनस करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, फोर इंटू वन फोर। सो ये कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो यहाँ पर बचा टेन माइनस फोर, माइनस फाइव माइनस टू टेन, माइनस करेंगे फोर। अब हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, सो फिर से बता देता हूँ, पहले प्लस माइनस प्लस, माइनस वन माइनस टू एंड थ्री, जिस भी रो और कॉलम में वो आ रहा है उसे छोड़कर बाकी के वैल्यूज को क्रॉस मल्ट कर कर माइनस करना है। सो ये बाहर तो प्लस है, यहाँ पर अभी मैं माइनस वन ही रहने देता हूँ, फाइव प्लस टू सेवन, माइनस माइनस टू, माइनस फोर माइनस फोर माइनस एट, प्लस थ्री टेन माइनस फोर, तो आंसर आ जाएगा सिक्स। सो प्लस सेवन इंटू माइनस वन, तो माइनस सेवन, आंसर क्या होगा इसका, माइनस सेवन, ठीक है। नाउ माइनस माइनस एट इंटू माइनस टू, सो ये हो जाएगा प्लस सिक्सटीन, माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस सिक्स इंटू थ्री, तो ये होगा एटीन। सो फाइनली अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सो प्लस माइनस माइनस सेवन, माइनस प्लस माइनस सिक्सटीन, एंड प्लस प्लस, सो प्लस एटीन। सो प्लस के एटीन हैं और माइनस का सिक्सटीन एंड माइनस सेवन, सो एटीन माइनस सिक्सटीन टू, सो ये आ जाएगा माइनस फाइव। हम लिखेंगे माइनस फाइव इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है, सो देयरफोर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर ज़ीरो आ जाता है तो हम लिखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो आगे सम नहीं करना है आपको, ये सम यहाँ पर ही पूरा हो गया। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, ज़ीरो आ गया, इन ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूलस ए, ठीक है। सो अगर डिवाइड में ही ज़ीरो आ जाएगा मॉड्यूलस ए, तो फिर सम आगे होगा ही नहीं, सम करने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में सम यहाँ ही पूरा हो जाएगा, सम आगे कंटिन्यू नहीं होगा। अब हम आगे करते हैं, तो आगे क्या करना है उसे समझ लो। अब हमें नेक्स्ट करना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। स्टेप्स वही रहेंगे जो हमने टू बाय टू मैट्रिक्स में किए थे, वही सेम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब ये कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, अब आपको लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं क्या, तो पहले देख लो आप। मैंने ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं लिखा है। अब ये अलग अलग हमने स्मॉल मैट्रिक्स बनाई और ये एक बिग मैट्रिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। सबसे पहले आगे प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस रखा है, तो यहाँ पर माइनस
प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस प्लस, तो क्या किया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही करना है आपको। अब यहां पर आ जाओ आप मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स है ठीक है। अब ये जो पोजीशन है ये ए वन वन पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ठीक है। सो फर्स्ट रो को हटा दो, फर्स्ट कॉलम को हटा दो, फर्स्ट रो भी हटा दी समझो, डिलीट कर दिया, फर्स्ट कॉलम भी डिलीट कर दिया, तो आपको कौन सी वैल्यूज बची? अगर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम इसमें से हटा देते हैं तो बचेगा वन माइनस फाइव वन एंड टू, वो हमने यहाँ लिख दिया। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पोजीशन है ए वन वन की, फर्स्ट रो हटा दो फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो बाकी बचा वन वन माइनस फाइव टू, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर से अब ये पोजीशन सेकंड पोजीशन ठीक है, तो सेकंड पोजीशन में क्या होगा, मैं यही मैट्रिक्स एक रफ पेज पर लिख देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। माइनस वन माइनस टू फोर, माइनस टू वन माइनस फाइव थ्री वन एंड टू, ठीक है ये हमने लिख दिया इस पर। अब हम फिर से यहाँ से ही देखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ये आपका मैट्रिक्स है। क्योंकि अगर मैं दोनों पेज कवर करूँगा तो जूम करना पड़ेगा और कैमरा में वर्ड्स थोड़े छोटे हो जाएंगे, सो यहाँ से ही करते हैं। नाउ ये पोजीशन थी, फिर से बता रहा हूँ, माइनस वन की, ये माइनस वन का फर्स्ट रो हटा दो फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो वन वन फाइव माइनस टू ये बचे ठीक है। नाउ यहाँ पर सेकंड, अब सेकंड ये वाली पोजीशन है, तो ये पोजीशन में फर्स्ट रो हटा देते हैं, ये कॉलम भी हट जाएगा, तो बचा क्या माइनस टू फोर वन एंड टू ठीक है। नाउ ये फर्स्ट रो हट जाएगी, लास्ट कॉलम हट जाएगा, ये थ्री कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो हटा दो कैंसिल कर दो, लास्ट कॉलम कैंसिल कर दो, तो बचा क्या माइनस टू वन फोर एंड माइनस फाइव। फिर से अब ये माइनस टू वाली पोजीशन है, तो माइनस टू फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड रो में है, तो वो हटा देते हैं, तो बचा क्या माइनस टू माइनस फाइव थ्री एंड टू, माइनस टू माइनस फाइव थ्री एंड टू। अब ये सेंटर में, ये वन वाली पोजीशन है, सो वन इस कॉलम में आता है, इस रो में आता है, दोनों ही कैंसिल कर दो, तो बाकी बचा माइनस वन थ्री फोर एंड टू। फिर से माइनस वन थ्री फोर एंड टू। नाउ ये वाली पोजीशन, अब ये वन लास्ट कॉलम में है और सेकंड रो में है, तो रो हटा दो ये कॉलम हटा दो, तो बचा माइनस वन माइनस टू फोर एंड माइनस फाइव। फिर से अब ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम हटा दो थर्ड रो हटा दो, तो बाकी बचा माइनस टू थ्री वन वन। फिर से थर्ड रो सेकंड कॉलम, इट मींस ये हटा दो, ये थर्ड रो कैंसिल, ये सेकंड कॉलम कैंसिल, माइनस वन माइनस टू थ्री वन। एंड देन ये लास्ट, ये थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम है, दोनों ही कैंसिल कर दो, ये थर्ड रो भी कैंसिल कर दो थर्ड कॉलम भी कैंसिल कर दो, माइनस वन माइनस टू माइनस टू वन। सो यहाँ तक अभी हम कोफैक्टर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू वन तो आंसर होगा टू, माइनस करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो माइनस फाइव इंटू वन, माइनस फाइव होता है बट माइनस करना है तो प्लस फाइव हो जाएगा और बाहर है प्लस, माइनस बाहर, टू इंटू टू माइनस फोर, माइनस करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, फोर इंटू वन फोर,
बाहर साइन प्लस, 2 × 5 = 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसमें से माइनस करना है हमें 4, फिर से बाहर साइन माइनस, 2 × 2 = -4, माइनस करना है −5 and 3, सो −15 और आगे माइनस है तो +15 हो जाएगा, प्लस 2 × −1 − 2, माइनस करना है 4 × 3 = 12, माइनस −5 × −1, सो +5, माइनस करना है हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 2 − 8, सो माइनस बाहर है तो +8, फिर से बाहर प्लस, −2 × 1 − 2, 3 × 1 = 3, −1 × 1 − 1, माइनस करना है 3 × 2 = 6, बट माइनस है तो ये +6 हो जाएगा, प्लस −1 × 1 − 1, माइनस करना है इसमें से −2 × −2, सो +4 और बाहर माइनस तो करना ही है हमें, ठीक है। सो ये हो गया, अभी तक हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं। 3x3 में थोड़ा सा लेंथी होता है, अगर 2x2 आ गया ना, समझो आपकी लॉटरी लग गई। सो 5 + 2 = 7, बाहर प्लस है तो +7, −4 − 4 − 8, बाहर माइनस है तो +8, 10 − 4 = 6, बाहर प्लस है तो 6 ही रहेंगे, 15 − 4 = 11, 11 बाहर माइनस है तो −11, −2 − 12 − 14, 5 + 8 = 13, बाहर माइनस है तो −13, −2 and −3 − 5, 6 − 1 = 5, बाहर माइनस है तो −5, −4 − 1 − 5, 4 − 1 − 5. अभी तक हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स किया है, सो इसके बाद हमें क्या करना होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स के बाद हम करते हैं टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज आपने 2x2 में देखा होगा, वहां भी हमने यही किया है। सो ट्रांसपोज में क्या कर देते हैं, रो को कॉलम कर देते हैं, 7 8 6 −11 − 14 − 13 − 5 − 5 − 5. सो जैसे ही टेकिंग ट्रांसपोज करते हैं तो ये बन जाता है एडजॉइंट ए, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। नाउ देन क्या करना है हमें, एडजॉइंट ए के बाद इनवर्स ए, ठीक है, और इनवर्स ए का फॉर्मूला आपको पता है। सो इनवर्स ए क्या हो जाएगा, सो इनवर्स ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूलस ए। सो एडजॉइंट ए होगा जो हमें आंसर्स यहाँ पर थे 7 8 6 7 8 6, −11 14 and 13, −11 − 14 − 13, and −5 − 5 − 5, ये है एडजॉइंट ए। डिवाइड करना है हमें मॉड्यूलस ए से, तो मॉड्यूलस ए हमारा ये रहा, −5 कैलकुलेट करके आए हैं, तो ये हो जाएगा −5। सो नाउ ये हमारा आंसर है, बट हम हर एक को 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 7 7 / 5, बट माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा आगे साइन, फिर से −11 / −5, तो ये 11/5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल,
एंड माइनस फाइव डिवाइड बाई माइनस फाइव, तो आंसर वन हो जाएगा. सो एट डिवाइड बाई माइनस फाइव, सो माइनस एट डिवाइड बाई फाइव. माइनस फोर्टीन डिवाइड बाई माइनस फाइव, तो माइनस माइनस कैंसल, फोर्टीन बाई फाइव एंड वन. माइनस सिक्स बाई फाइव, माइनस माइनस कैंसल, थर्टीन बाई फाइव एंड वन. सो स्टूडेंट्स, ये है ए इनवर्स. ये हमने फाइनली ए इनवर्स कैलकुलेट किया है. एक बार आंसर चेक कर लेते हैं. माइनस सेवन अपॉन फाइव, एलेवन अपॉन फाइव वन, माइनस एट अपॉन फाइव, फोर्टीन अपॉन फाइव वन, एंड माइनस सिक्स अपॉन फाइव, थर्टीन अपॉन फाइव एंड वन. तो ये था क्वेश्चन नंबर 25 जो हमने अभी किया. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है 3/3 के इनवर्स के सम्स आपको इलस्ट्रेशंस में भी दिए हुए हैं. सो आप इलस्ट्रेशंस ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको नंबर्स दे देता हूँ, तब तक आप ये नोट डाउन कर दीजिए. सो ये आपका फर्स्ट पेज है. ये आपका सेकंड पेज. और ये आपका थर्ड पेज. आज के होमवर्क में मैं आपको इलस्ट्रेशन 17 दे रहा हूँ. 3/3 के मैट्रिक्स में ही है. ये रहा इलस्ट्रेशन 17. सो अगर आपके बुक में आगे पीछे है तो नंबर्स देखकर फाइंड आउट कर लीजिए. इलस्ट्रेशन 17 आप होमवर्क में करोगे. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ.